क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बाइनरी, फ्रैक्शनल पोर्शनल। अभी तक हम लोगों को, हम लोगों ने सीखा कि सिंपल कोई नंबर होगा 1, 10, 25, 64 कोई भी नंबर, उसको हम कैसे डिवाइड कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। हम उसको कंटिन्यूअसली 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नोट करके जाते हैं, उसके बाद हमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाता है। लेकिन अब अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो जो क्या है, एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो फ्रैक्शन है, और जो फ्रैक्शनल पोर्शन उसका है पॉइंट के उस पर, जो उसका पोर्शन है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, किससे, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, यही चीज हमें आज देखनी है। तो इसको देख के आज हमारी ये नंबर सिस्टम वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आप लोगों से कि वो कॉमन पावर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा, ठीक है, जैसे हम पीको सेकंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीको सेकंड्स, दैट मींस 10 रेज पावर माइनस 12, यानी एक सेकंड को हम कितने कितने हिस्से करेंगे, 1 / 1 and 12 0, वो कितना छोटा पोर्शन बन गया, हम उसको देख। इसी तरह से नैनो के लिए 10^-9, 10^-9 मींस 1 / 1 and 9 0 इसके आगे। तो इसी तरह से माइक्रो के लिए 10^-9, तो हम कंप्यूटर की स्पीड मेजर करते हैं कहां से शुरू करते हैं, माइक्रो सेकंड से। हम मिली सेकंड में भी, सेकंड में भी मेजर नहीं करते हैं, मिली सेकंड में भी मेजर नहीं करते, बल्कि हम कंप्यूटर की स्पीड कहां से शुरू करते हैं, माइक्रो सेकंड से। और दूसरी बात की मैंने आप लोगों को बताया है, और आप लोगों को जब हम लोगों ने मेमोरी पढ़ी तो उस वक्त मैंने बताया आप लोगों को बिट, बिट किसको कहते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, वो या जीरो स्टोर कर सकता है या वन स्टोर कर सकता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। तो 4 बिट्स जब मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, निबल, वो क्या बनाते हैं, निबल। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बाइट, एक बाइट। जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वन, कल मैंने बताया 1 KB, 1 KB, 1 KB। जब 1024 किलोबाइट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 MB। जब 1024 मेगाबाइट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 GB। 1024 गीगाबाइट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हाँ, टेराबाइट। फिर उसके बाद इसी तरह से पेंटाबाइट, ठीक है, जीटाबाइट, बहुत सारे पढ़े ना लोगों ने। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग मेमोरी को मेजर करते हैं किसमें, बेसिक यूनिट है बिट, ठीक है, बाद में बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। तो ये चीजें, ये टेबल आप याद रखोगे, 10^3 मीन्स, 10^-3 मीन्स मिली, मिली सेकंड, जब जैसे हम कहते हैं मिली सेकंड, 10^3 मीन्स किलो, 10^6 मीन्स मेगा, 10^-9 मीन्स गीगा, 10^12 मीन्स टेरा, हाँ, 2^10 मीन्स किलो, 2^20 मीन्स मेगा, 2^30 मीन्स गीगा। छोड़ो ये, इसी तरह से आप लोग राइट क्लिक कर सकते हो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर आइकन जो है माय पीसी, माय कंप्यूटर, ठीक है, तो या दिस पीसी, उस पे आप राइट क्लिक करोगे, बाद में वहां पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, आप लोग अपने कंप्यूटर पे देख लेना इसे, वहां पे आपको बताएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको यूज, कितनी स्पेस यूज हुई है इस कंप्यूटर में, मेमोरी की, हार्ड डिस्क की, और कितनी फ्री है, कितनी फ्री है, या आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हो कहां पे, अपने सिस्टम पे। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़े, ये क्या कहते हैं इनको, बाइनरी नंबर्स पढ़े ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिस तरह से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस 10 पे है, उसी तरह से एक नंबर सिस्टम है जिसकी बेस कितने पे है, 2 पे, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी। जिस तरह से हम अपने नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, उसी तरह से हम लोग कहां पे कर सकते हैं, हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं बाइनरी में।
या जिस तरह से हम कैलकुलेशंस अपने डेसिमल नंबर में करते हैं उसी तरह से हम वो कहां पे बाइनरी में भी कर सकते हैं। हाँ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एंड देयर रूल आप लोगों को पता है, आप लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो अक्सर, तो ऐसा कर सकते हो। यह हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी बता रहा हूं। जैसे इसी तरह से बाइनरी एडिशन, कैसे हम बाइनरी नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज टेन नहीं है ये टू है, लेकिन टू टू ये टू हम यहां नहीं लिख सकते, मत लिख सकते क्योंकि यहां हमारा लिमिट क्या है जीरो एंड वन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे वन, जैसे हम ऐसे करते हैं फाइव प्लस फाइव, तो उस वक्त हम लोग क्या लिखते हैं फाइव, यहां लिखते हैं जीरो और एक क्या आ जाता है एक, मान लीजिए कैरी आ जाता है, हम लोग ऐसे क्या लिखते हैं, लिखते हैं ना। वैसे ही बाइनरी में क्या होता है वन प्लस वन इज टू, लेकिन टू को हम कैसे लिखते हैं वन जीरो, ठीक है। जैसे हम यहां पे देख लेंगे, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये वाला एक नंबर है ये वाला, तो इन दो को ऐड करना है, वन प्लस वन इज जीरो, लेकिन एक की कैरी आ जाएगी टू है ना, यानी वन जीरो आ जाएगा, असली यहाँ पे आ जाएगा वन जीरो। हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं एक क्या हो जाएगा, जैसे हम वहां पे टेन लिखते थे ना फाइव प्लस फाइव इज टेन, यहाँ पे हम वहां पे हम जीरो लिखते थे और वन को आगे लेते थे कैरी। इसी तरह से यहाँ पे भी आप एडिशन कर सकते हो, इसी तरह से आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो सिंपली, जैसे हम अपने डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से हम अपने बाइनरी नंबर्स की भी क्या कर सकते हैं, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज वन, वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन, ठीक है। उसी तरह से आप बाइनरी स्ट्रिंग्स के भी क्या कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यह आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो इसी तरह से जैसे फ्रैक्शंस की बात हो रही, ये 3.14 है, ठीक है। तो जब हम इस वाले पोर्शन को ले लेंगे पॉइंट के पास, देखो ये किस प्लेस पे वन प्लेस पे, ये ना कोई, इसको क्या आ जाए टेन, थ्री इंटू टेन रेज पावर जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन, वन इंटू थ्री इज थ्री। लेकिन अब कौन से अब कौन सा पोर्शन वाला है, ये फ्रैक्शनल पॉइंट के इस बार वन और फोर है, वन इंटू टेन रेज किस लोकेशन पे है पहली वाली लुक, तो वहां पे माइनस वन आ जाएगा, दूसरी लोकेशन के लिए क्या आ जाएगा माइनस टू, तीसरी लोकेशन के लिए माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो ऑन। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल करना है, बाइनरी टू इस नंबर को हमें बाइनरी से किस में डेसिमल, तो ये चीज आप लोगों ने सीखी है। जैसे यहां पे वन जीरो है, अगर ये खाली वन जीरो होता बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना होता कहां पे डेसिमल में, तो क्या करते आप, क्या करते आप, क्या करना है आप लोगों को, वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू, यहां जीरो, यहां वेट, यहां पे जीरो और यहां पे वन, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज वन, वन इंटू लेकिन जीरो क्या हो गया जीरो, यहां पे जीरो आ जाए, एनीथिंग रेज्ड पावर वन इज इटसेल्फ टू, टू इंटू वन इज टू, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू, यानी ये डेसिमल में क्या है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है टू, इसलिए देता गया। लेकिन अब यहां पे क्या मसला है, यहां पे मसला है ये वाला पोर्शन, आज का जो ये आज की जो क्लास है ये इसी पे है, ये हमें सीखना है कि आप इस वाले पोर्शन को तो हम आसानी के साथ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले के लिए क्या करें, इस वाले के लिए क्या करें। तो यहां पे सिंपल तरीका है, सिंपल सा तरीका है, आप लोग स्टार्ट कीजिए यहां से, स्टार्ट कीजिए यहां से, स्टार्ट कीजिए वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू, हाँ तो ये किस लोकेशन पे है माइनस वन, ये किस पे है माइनस टू,
माइनस थ्री माइनस फोर माइनस माइनस वन माइनस टू, वहां पे हम लोग क्या करते थे जीरो वन टू थ्री जैसे अभी यहां पे किया जीरो और वन किया, लेकिन यहां पे क्या करना है माइनस वन से शुरू करना है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर टू रेज पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय टू, ये वन बाय टू मीन्स जीरो पॉइंट फाइव, वन बाय टू मीन्स जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन इज जीरो पॉइंट फाइव, ये जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन इज जीरो पॉइंट फाइव वही आ जाएंगे। अब दूसरा क्या है, ये टू रेज पावर माइनस टू, टू रेज पावर माइनस टू, तो क्या करना है यहां पर वन डिवाइडेड बाय फोर, वन डिवाइडेड बाय फोर कितना आता है जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाता है, क्या जाता है, लेकिन यहां पे क्या है उसके उसका मल्टीप्लाई क्या है यहां जीरो, वो क्या बन जाएगा जीरो, इसलिए यहां पे क्या आ गया जीरो, ठीक है। आप इसके बाद टू रेज पावर माइनस थ्री वन बाय एट, वन बाय एट आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा वन बाय एट आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव, जीरो पॉइंट वन टू फाइव, जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंटू इंटू कितना वन, जीरो पॉइंट वन टू फाइव इंटू वन वो क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव। इसी तरह से ये वाला माइनस थ्री, माइनस थ्री हाँ माइनस थ्री हम लोगों ने किया, अब माइनस फोर है दैट मीन्स वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्सटीन इंटू वन बाय सिक्सटीन कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इंटू क्या है इंटू वन इंटू दैट मीन जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव, समझ में आया। देखो वो वाला पोर्शन जो है ना हम उसमें क्या करते हैं हर किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं टू से, बाद में हम यहां से शुरू करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव जितने डिजिट्स होंगे उतने वो उनका वेट होता है उनकी पोजीशन होती है, लेकिन जो पॉइंट के इस पार वाले डिजिट्स है वहां पे हम उसी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम माइनस वन से शुरू करते हैं माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पोर्शन जो है उसकी पोजीशन ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ठीक है। ये देखो अब उसके बाद सिंपली ये टू आ गए ना टू शू टू मकला मसला, ये शू जीरो मकला, ये बना टू टू आ गई, ठीक है। इसको क्या करना है एड पांच वर्ष पांच ज शत ज आठ तो पांच तक गए शे टू पॉइंट सिक्स एट, ठीक है समझ में आया। कोई भी नंबर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मैं आप लोगों को कोई नंबर दे दूं इसको बताऊं कि इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, यानी खाली सिंपल बाइनरी नंबर नहीं दूंगा बल्कि कौन सा वाला पॉइंट वाला दे दूंगा फ्रैक्शनल वाला, ठीक है। तो उसमें क्या करना है उसमें यही तरीका इस्तेमाल करना है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्या करना है, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर होगा आप लोग उसको आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को ये वन 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 पॉइंट वन जीरो वन ये क्या आ जाएगा वन टू फोर चोर तो त्रे चोर जो शत आगे सात मेर सभी से आएगा ना आप लोग, इसको कैसे करेंगे वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू, यहां से जीरो यहां पे टू, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन, वन इंटू वन इज वन, टू रेज पावर टू इंटू वन इज इक्वल टू टू, टू टू रेज पावर टू कितना हो गया फोर, फोर इंटू वन कितना हो गया फोर प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, हो गए पोर्शन सिंपल। अब ये वाला पोर्शन असल में इस वक्त सीखना है, तो क्या करेंगे इसको
क्या करेंगे इसको? क्या है यहां पे? 111.101. तो क्या करेंगे यहां पे? वन इंटू टू प्लस जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू टू, यहां पे माइनस इसको आना चाहिए, क्योंकि यहां पे हम लोग ने क्या किया, वन जीरो, हाँ इसको आना चाहिए, या वन जीरो वन वन, यहां से स्टार्ट करना है वन, या चीनी शिका ये आखिरी सीखा था, जैसे यहां से जाएंगे या वहां से जाएंगे, लेकिन कहां से शुरू करना है? जैसे ये वाला पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये वाला पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है? तो हमारा ये पहला दूसरा, और तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा, वन बाई टू, दैट इज जीरो पॉइंट, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो जल्दी, है किसी के पास? हाँ, यहां पे 1/4, दैट इज 0.125, वही याद है, एक सेकंड, देखो पहला वाला ठीक हो गया, अब दूसरे में क्या करना है, 1/0.25 आ जाएगा, क्या जाएगा, 0.25 इंटू वन कितना हो गया, अच्छा इसका जीरो है, हाँ तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस बल्कि हम ऐसे रखेंगे इसको, चलो वो बाद में, इसका क्या आ जाएगा, 1/8 कितना होता है, 0.125 into 1 कितना हो गया, 0.125, वो दूसरा वाला जीरो ही आ गया था, और तीसरा वाला क्या है, 0.05, तो ये कितना हो गया, 5, 5, 10, 0, 1, 3, 1, 3, 0, यानी इसका आ जाएगा 7.130, ठीक है? अब देखो अब क्या करना है, दूसरा वाला, अब हम आ जाएंगे किस पे, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, जब हम एक डेसिमल नंबर को डिवाइड कन्वर्ट करते हैं किस में, बाइनरी में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, जैसे यहां पे 3 है, 3 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, वो क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर 1, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, और रिमाइंडर 1, 1 1 आ गया, और ऐसे ही कोई भी नंबर होगा तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय टू, जब तक वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, तब तक डिवाइड करते रहेंगे टू से, जब तक वो क्या बन जाएगा, लेकिन अब इस वक्त मसला क्या है, इस वक्त मसला है इस वाले पोर्शन का, ये इसको हम क्या करें, ठीक है, जैसे हम कभी क्या करते हैं, कोई नंबर होता है जैसे 314.27113, हम लोग क्या करते हैं बाद में, 314.22 इसके इनको उमिट करते हैं और उसको क्या लिखते हैं, 7 के बाद में क्या लिखते हैं, 8, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आप क्या रखना, उसी तरह से यहां पे हम थोड़ा करते हैं, हम 2-4 कैलकुलेशंस लेते हैं, इसके बाद में छोड़ देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, सुनो वहां पे हम डिवाइड करते जाते थे किससे, 2 से, जब तक कि वो 0 ना बनता, 2 से हम इसको डिवाइड करते गए जब तक वो 0 बन गया, और रिमाइंडर हम नोट करते गए, यही है ना प्रोसीजर, कि एक डेसिमल नंबर को हम कैसे एक बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते,
तो अब यहां पे हमें ये वाला पोर्शन जो है इसका तरीका ये है, मल्टीप्लाई करो टू से। मल्टीप्लाई किससे करो? देखो इस वाले नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो जीरो यानी 1.3 पॉइंट ये पोर्शन वाला, अब यहां पे क्या बचता है 1.4579 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टू से, किससे करते हैं, वहां पे निकलता है 0.29158। ये करो तो नो, आज क्या द्राओ, आज क्या द्राओ, आज द्रा जीरो, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो किससे, टू से, तो वहां पे क्या निकला 58316.51, तो यहां पे भी क्या निकला जीरो। इसको भी मल्टीप्लाई करो टू से, वहां पे निकला 1 पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट से पहले जो आपको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को आएगा ना, अगर पॉइंट से पहले जीरो आ गया तो यहां पे क्या लिख दीजिए, दो बार यहां पे भी जीरो निकला और यहां पे भी जीरो निकला, 0.something, 0.something, जहां पे 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा वहां पे क्या नोट करोगे आप, वन। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए वन से, वहां पे निकलता है क्या, लेकिन खाली इस वाले पोर्शन को, देखिए ये तो बाकी इसको ओमिट कीजिए, इन तो पत करो कम से कम 1 पॉइंट ये से कर ना, खाली इस वाले पोर्शन को जो पॉइंट के इस पार वाला पोर्शन जो है इसको खाली मल्टीप्लाई करना है टू से, और उसके बाद देखना है कि इसका ये क्या निकलता है। तो यहां पे भी निकला 0.0, तो फिर से आ गया जी, ठीक है। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करो टू से, तो जीरो ही निकलता है, फिर टू से, फिर यहां पे 1.3 कुछ निकलता है, तो 0.1 है। ऐसे दो रुपए नोट, बस बात ही छोड़ देता, दो चार नोट कर दिया ना, बस उतने काफी होते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना किस चीज की, जब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पॉइंट्स में हम बाद में क्या करते हैं, उन बातों को छोड़ देते हैं, उसको वन ऐड करते हैं कुछ में, दूसरे है तीसरे वाले, ठीक है। सेम इज द केस हियर, मुझे लगता है अब आप लोगों को यह समझ में आया, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है बल्कि इसको क्या करना है, फ्रैक्शनल वाले पोर्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और इसका जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट आ जाएगा, अगर जीरो आ गया तो जीरो नोट कीजिए, वन आ गया तो, लेकिन मल्टीप्लाई खाली पॉइंट के पार वाले हिस्से से करना है, न कि आगे वाले, ठीक है। इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो एक नंबर को एक डेसिमल बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, वहां पे बाइनरी से जो पहला वाला। समझ में आया सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, तो जो एक्सरसाइज मैंने इसमें दे दी है उसको आप देख लेना, इसको आप देख लेना, लिखो इस क्वेश्चन को, ये घर से करके लाना, ये डेसिमल नंबर है 29.98, क्या करना है इसको 29 को डिवाइड करते जाना है टू से जब तक कि वो जीरो ना बन, और रिमाइंडर नोट करते जाना है, और इस वाले पोर्शन के लिए पॉइंट वाले पोर्शन के लिए क्या करना है, इनटू करना है किससे, टू से, ठीक है, दो चार बार, ठीक है, वो निकलेगा पॉइंट के पार क्या। इसी तरह से यहां पे इसको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को, इसको तो मल्टीप्लाई टू से कर लोगे, इसको भी मल्टीप्लाई टू से करो, लेकिन इसके जो वेट में आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, लेकिन इसका क्या आ जाएगा -1, -2, -3, बस ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये इतना काफी है। तो इस तरह से हमारा जो ये नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो रहा है। थैंक यू।